सामईने कराम, पिछली वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा, जो कि 2-3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, वो बयान किया गया है। आज इंशाल्लाह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या तफसील से बयान किया जाएगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने एक ऐसी बुराई की इब्तदा की, एक ऐसी बुराई ईजाद की जो कि उनसे पहले इंसानी तस्वुर या इंसान के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं थी। वो बुराई क्या थी? लड़कियों को छोड़ के, औरतों को छोड़ के लड़कों के साथ बुरा काम करना, यानी बदफेली करना। कौम लूत से पहले किसी के जहन में यह बात नहीं आई। और एक बात याद रखें कि जो कोई किसी बुरे काम की ईजाद करता है, उसके बाद जो लोग उस बुरे काम को करते रहते हैं, तो ईजाद करने वाले को भी उस गुनाह का हिस्सा मिलता रहता है। जैसे सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने हाबील को कत्ल किया, तो अब क़यामत तक जितने भी कत्ल होते रहेंगे, काबील भी उस गुनाह में शामिल है, क्योंकि उसने कत्ल करने के गुनाह की ईजाद की। तो मौजूद सामिन, आइए बिला ताखीर बढ़ते हैं आज के किस्से की तरफ। दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ब्रादर ज़्यादा हैं, यानी के चचा के बेटे हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई का नाम हारान था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का बचपन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ही ज़ेरे साया गुजरा है। क्योंकि चचा थे, इसलिए उनकी तरबियत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम करते थे। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर पहले ईमान लाने वालों में से हैं, शुरू के मुस्लिम, जिसे अस्साबिकूना अव्वलून कहा गया है। कुरान पाक की सूरह अनकबूत में आता है, पस ईमान लाया लूत इब्राहीम पर और कहा कि मैं हिजरत करने वाला हूं अपने रब की जानिब। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम तमाम हिजरतों के वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ होते थे, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहीं भी सफ़र पे जाते तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम साथ जाते थे, दोनों साथ साथ रहते थे, चचा और भतीजा। तौरात में है कि मिस्र के क़याम में चूँकि दोनों के पास काफ़ी साजो सामान था और भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ थे, तो होता कुछ ये था कि मिस्र में जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चरवाहे थे, जो भेड़ बकरियां चराते थे, और जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के चरवाहे थे, भेड़ बकरियां चराने वाले, वो आपस में झगड़ते रहते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के चरवाहे कहते थे कि हमारी भेड़ बकरियां पहले चरागाह से चारा खाएंगी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो चरवाहे थे वो कहते थे कि नहीं, पहले हमारी बकरियां चरागाह से चारा खाएंगी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने मशवरा किया कि इस तरह हम दोनों में इख्तलाफात बढ़ेंगे, तो ऐसा करते हैं कि आप किसी और इलाके में चले जाएं, मैं किसी और इलाके में चला जाता हूँ। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो वापस फ़लस्तीन चले गए और वहाँ जाकर इस्लाम की तबलीग करने लगे, और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हिजरत करके उर्दन के इलाका सदूम और अमूरा में चले गए, वहाँ जाकर दीन हनीफ की तबलीग करते रहे। अब ये जो सदूम इलाका है, ये उर्दन की जानिब वो इलाका है जहाँ पे आज बहरे लूत वाक़या है, बहरे मैत या बहरे लूत वाक़या है। यही वो जगह है जहाँ पे सदूम और अमूरा की बस्तियाँ किसी वक़्त कायम होती थी। उस इलाके के करीब जो रहने वाले हैं वो बताते हैं कि ये जो आज बहरे लूत नज़र आ रहा है, जो समुंदर नज़र आ रहा है, यहाँ पे किसी ज़माने में खुश्की हुआ करती थी और उसी खुश्की पे कौम लूत बसा करती थी। जब कौम लूत पे अजाब आया तो जलजले और भूचाल ऐसे आए कि सारी ज़मीन उल्ट गई और 400 मीटर समुंदर के नीचे चली गई और ऊपर पानी भर आया।
इसीलिए इसका नाम बहरे लूत है। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम सदूम शहर में आए तो आके क्या देखा कि यहाँ के लोग बहुत ही बदफेल हैं और बदकरदार हैं। उनमें सिर्फ मर्दों के साथ जिना करने वाली खामी ही नहीं थी बल्कि और भी तमाम खामियां उनमें मौजूद थी और कोई ऐसी अच्छाई ना थी जो उनमें हो। हर बुराई उनमें मौजूद थी। बद अखलाक थे, लोगों को, मुसाफिरों को लूटते थे, अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ रुजू करते थे। और यही वो नापाक अमल है जिसका नाम लवातत मशहूर हुआ। और इससे भी ज्यादा खबासत और बेहयाई ये थी कि ये इसको बुरा नहीं समझते थे। लड़कों के साथ जिना करने को वो बुरा नहीं समझते थे बल्कि आके फख्र से बताते, अपनी बातें दूसरों को बताते और इस काम पे अलल एलान फख्र किया करते थे। कुरान पाक की सूरह आराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लूत का वाकया, जब इसने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम ऐसे फहश काम में मशहूल हो जिसको दुनिया में तुमसे पहले किसी ने नहीं किया, ये कि बिला शुबा तुम औरतों की बजाय अपनी शहवत को मर्दों से पूरी करते हो, यकीनन तुम हद से गुजरने वाले हो। एक आपको छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। एक दफा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत सारा ने अपने खानाजाद एक शख्स जिसका नाम अल यारज था उसको सदूम भेजा, यानी इस कौम की तरफ भेजा। ये जब बस्ती के करीब पहुंचे तो अजनबी समझकर एक सदूमी शख्स ने इनके सर पर पत्थर मारा। कौम लूत के शख्स ने अल यारज के सर पे पत्थर मारा और खून जारी हो गया। तब वो सदूमी आगे बढ़ा और कहने लगा, मेरे पत्थर की वजह से तुम्हारा सर सुर्ख हो गया है, लिहाजा मुझे इसका मुआवजा दो। एक तो पत्थर मारा है और दूसरा उसको कह रहा है कि तुम्हारा जो ये सर सुर्ख हुआ है ये मेरे पत्थर की वजह से हुआ है, तो मुझे इसका मुआवजा दो, पैसे दो। और इस मुतालबे के लिए वो उस शख्स को, यानी जो हजरत इब्राहिम ने भेजा था अल यारज, उसको पकड़ के अदालत में ले गया कि मैं, मेरे पत्थर की वजह से इसका सर सुर्ख हुआ है तो ये मुझे उजरत नहीं दे रहा, मुआवजा नहीं दे रहा। तो जो उस वक्त का जज था, जो काजी था, वो कहने लगा कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी उजरत बनती है, इसको उजरत दो, इसको मुआवजा दो, क्योंकि उसने तुम्हारा सर सुर्ख किया है। अल यारज ने जब ये सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया और एक पत्थर उठा के हाकिम के सर पे मारा और कहने लगा, मेरे पत्थर मारने की जो उजरत बनती है वो मुझे देने की बजाय इस सदूमी को दे दो। यानी अगर पत्थर मारने की उजरत मिलती है तो जो पत्थर मैंने तुम्हें मारा है मुझे उसकी भी उजरत मिलनी चाहिए, तो वो मैं उजरत नहीं लेता, वो उजरत तुम इस सदूमी को दे दो। इन वाकयात से पता चलता है कि वो कौम सिर्फ जिना की वजह से मशहूर नहीं थी बल्कि हर बुराई उनमें पाई जाती थी, हर किस्म की बद अखलाकी उनमें पाई जाती थी। खैर, इन हालात में हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको इनकी बेहयाइयों और खबासतों पर मलामत की और शराफत और तहारत की जिंदगी की तरफ रगबत दिलाई और जिस मुमकिन तरीके से हो सका उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन पे कोई असर ना हुआ, टस से मस ना हुए, बल्कि उल्टा ये कहने लगे, जैसे कि कुरान पाक में आता है, लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जवाब इसके सिवा कुछ ना था, वो कहने लगे कि इनको अपने शहर से निकाल दो, बेशक ये बहुत ही पाक लोग हैं। यानी उनकी कौम ये तंज के तौर पे, मजाक के तौर पे, मजाकिया अंदाज में ये फिक्रा कहती थी कि तुम तो बहुत नेक हो तो तुम्हारा हमारी बस्ती में कोई काम नहीं है, तो लिहाजा हम तुम्हें शहर बदर कर देते हैं, तुम्हें निकाल देते हैं अपनी कौम में से। और फिर एक दूसरे की तरफ देख के हंसते थे, ये बात कहने के बाद एक दूसरे की तरफ देख के हंसते थे, वक्त के नबी का मजाक उड़ाते थे।
حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی لوٹ مار اور اسی قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہیں تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بھری محفلوں میں آ کے فخر سے بتاتے ہو کہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا جیسے تم کوئی بہت بڑا کارنامہ کر کے آئے ہو قوم نے اس نصیحت کو جب محفل میں سنانا تو غم اور غصے سے تلملا اٹھی اور کہنے لگی لوط بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر اور ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دکھا جس کا ذکر بار بار ہم سے کرتے ہو اور ہمیں ڈراتے ہو اگر تم واقعی اپنے قول پہ سچے ہو تو آپ کا اور ہمارا فیصلہ ہو ہی جانا چاہیے اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں پس اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ اچھا اب یہ واقعے کو تھوڑا سا میں یہیں پہ روکتا ہوں۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل کی سیر کر رہے تھے کہ انہوں نے تین شخص کھڑے دیکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت متواضع اور مہمان نواز تھے، ان کا ہمیشہ دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع رہتا تھا، اس لیے وہ ان تینوں کو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے کہ چلو میں ان کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ تو ہوا بھی اسی طرح، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو اپنے گھر لے گئے، ایک بچھڑا ذبح کیا اور بچھڑے کے تکے بنائے اور بھون بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ پریشان ہوئے۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بے چینی دیکھی تو وہ ہنس کر کہنے لگے کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں، کہ فرشتے یہ چیزیں تو نہیں کھاتے جو انسان کھاتے ہیں، اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے صدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں تو ان کی پریشانی ختم ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جذبہ ہمدردی اور محبت اور شفقت کی وجہ سے قوم لوط کی جانب سے ان فرشتوں سے جھگڑنا شروع کر دی اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے، اور وہ میرے چچا کا بیٹا بھی ہے اور ملت حنیف کا پیروکار بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر خدا کا یہی فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی، بد عملی اور بے حیائی کی وجہ سے ہلاک کی جائے، اور حضرت لوط علیہ السلام اور اس کا خاندان اس سے محفوظ رہے گا، البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ کافرہ ہے اور بد اعمالیوں کی وجہ سے اس پر بھی عذاب آئے گا۔ ادھر حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے رہے لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ قوم ان کو دھمکیاں دینے لگ گئے کہ ہم آپ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، یا آپ کو وطن سے خارج کر دیں گے، باہر نکال دیں گے۔ اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ان کی بد عمالیوں اور بد اخلاقیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آ پہنچا۔ غرض اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر صدوم پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین اور خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ میری قوم ان کے ساتھ بدفعلی کرے گی، جب وہ اتنے خوبصورت لڑکے دیکھیں گے تو وہی جو اپنی گھنونی حرکت کرتے ہیں وہی کریں گے۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام ان کو اپنے گھر لے کے ہی گئے تھے کہ کچھ دیر بعد انہیں خبر مل گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر بہت خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ بعض جگہ پہ آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی جو کہ کافرہ تھی، اس نے جا کے صدومیوں کو بتا دیا کہ ہمارے گھر آج مہمان آئے ہیں تو تم سب آ جاؤ۔
जब घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया कि तुम क्यों इस लानत में गिरफ्तार होना चाहते हो और औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ रफाकत करना चाहते हो। अच्छा, अब बाज जगह पे आता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन काफिरों से कहा कि देखो मेरी बेटियां हाजिर हैं, तुम उनसे निकाह कर लो। उस वक्त काफिरों से निकाह करने की मुमानियत नहीं आई थी। और बाज जगह पे ये आता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की लड़कियों को अपनी बेटियों से तशबीह दी कि ये जो कौम की लड़कियां हैं आप इनसे निकाह करो, आप मर्दों से क्यों अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हो। बहरहाल जो भी है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको फिर से औरतों की तरफ तवज्जा दिलाई कि औरतों से निकाह करो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। लेकिन वो आगे से कहने लगे कि ऐ लूत, तुम्हें पता है कि हमें औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं, हम तो तुम्हारे मेहमानों को लेकर ही जाएंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की इस परेशानी को देखकर फरिश्तों ने कहा, आप हमारी जहरी सूरतों को देखकर मत घबराएं, हम अजाब के फरिश्ते हैं और खुदा के कानून जजाए अमाल का फैसला इनके हक में अटल है, यानी कि अमाल की जजा मिलती ही मिलती है, जैसे तुम अमाल करोगे वैसा तुम्हें सिला मिलेगा और अब वो इनके सर से टलने वाला नहीं, यानी अल्लाह का अजाब, लेकिन आप और आपका खानदान महफूज रहेगा सवाए आपकी बीवी के, कि वो भी इन बेहयाओं की रफाकत में रहेगी और तुम्हारा साथ ना देगी। आखिरकार अल्लाह का अजाब आ पहुंचा। इब्तदाए शब हुई तो फरिश्तों के अशारे पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने खानदान समेत दूसरी जानिब से निकलकर सदूम से रुखसत हो गए और इनकी बीवी इन्हीं लोगों में रह गई, यानी सदूमियों में रह गई। और जब आखिरी शब हुई सुबह के करीब, एक ऐसी हैबतनाक चीख आई कि सदूम को तहस नहस कर दिया, सदूम वालों को बर्बाद कर दिया और सारी आबादी का तख्ता उल्ट दिया और पूरी आबादी को नीचे से उठाकर ऊपर लेके जाया गया और उल्टा करके फिर जमीन पे मारा गया और फिर ऊपर से पत्थरों की बारिश की गई कि इनका नामो निशान तक मिट जाए। और उनके साथ भी वही हुआ जो पहली कौमों के साथ होता था और फिर उनका वहां से नामो निशान भी मिट गया। 400 फुट नहीं, 400 गज जमीन के अंदर चले गए तो आज वहां पे पानी है, उस कौम का नामो निशान भी बाकी नहीं रहा। दोस्तों, आज भी कौमे लूत वाला अमले बद लोगों में मौजूद है। हम सिर्फ बचे किस वजह से हैं? अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की वजह से। लेकिन ये बचना सिर्फ इस दुनिया तक का, आखरत में कोई माफी नहीं। अब जब क्यामत तक ये अमल जारी रहेगा, कौमे लूत इस गुनाह में शामिल रहेगी। इसलिए कहते हैं कि अगर हम किसी गाली की या किसी बुरे काम की इब्तदा करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो वो अगर फैल गई, अगर वो चलती रही, चेन बन गई, तो हम भी उसमें हिस्सादार होंगे। इसी तरह अगर किसी नेक काम की इब्तदा करते हैं तो जब तक वो नेक काम होता रहेगा, वो चलता रहेगा, आप भी सवाब में हिस्सादार होते रहे। इसी तरह आप कोई YouTube का अच्छा कंटेंट, कोई मजहबी मवाद फैला रहे हैं या फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो जहां जहां तक वो जाता रहेगा आपको भी सवाब मिलता रहेगा। अगर आप बुरा कंटेंट शेयर कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तो आप भी गुनाह में हिस्सादार होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन वाकयात को समझने और इनसे इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबका हम